फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेंटिलेटर फंडामेंटल का एक अच्छा टॉपिक होता है और मैकेनिकल वेंटिलेटर को अपन एयरवे जो पहली बात अपन इमरजेंसी केयर के अंदर भी पढ़ते हैं, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ABC, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कभी भी पेशेंट कैजुअलिटी है, वो इमरजेंसी है, पेशेंट सिक है, तो उसमें सबसे पहली जो अपनी चीज़ आती है वो होती है एयरवे। अगर पेशेंट खुद एफर्ट से नहीं ले पा रहा है तो उसका एयरवे को मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एयरवे मैनेजमेंट के लिए अपन बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक मैकेनिकल वेंटिलेटर भी होता है। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर मैकेनिकल डिवाइस टू मेंटेन एयरवे वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ देने के लिए अपन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, अपन जो मशीन यूज़ करते हैं, उसी को ही बोला जाता है मैकेनिकल वेंटिलेटर। अब जो मशीन यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपना जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है, अपने लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव प्रेशर होता है, एनवायरनमेंट के बाहर पॉजिटिव प्रेशर होता है। अब पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर अंदर जाना नेगेटिव होता है तो वो क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर चला जाता है। बट अगर पेशेंट नेगेटिव प्रेशर तो है लेकिन अब पेशेंट एफर्ट नहीं कर पा रहा है, ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो अपन इस मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथ देते हैं। तो ये वेंटिलेटर है वो भी दो टाइप जैसे ही होते हैं, पॉजिटिव वेंटिलेटर और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, पॉजिटिव वाला प्रेशर वाला, नेगेटिव प्रेशर वाला। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर की। तो नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर है वो क्या, उसके अंदर क्या होता है कि क्रिएट ए नेगेटिव प्रेशर चैम्बर अराउंड द चेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि चेस्ट के चारों तरफ एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है और अपना जो डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर को कम किया जाता है, जिससे क्या होगा, टू अलाउ फॉर पैसिव इनहेलेशन, जिससे पेशेंट क्या होगा, पैसिवली, एक्टिवली तो पेशेंट का एफर्ट से, पैसिवली मतलब आर्टिफिशियल उसके अंदर चला जाएगा, तो ये क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को एक पैक्ड मशीन होती है जिसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है, उसके अंदर पेशेंट को लिटा दिया जाता है और उससे किया जाता है। एडवांस के अंदर क्या हो गया, ओनली चेस्ट के चारों तरफ एक एयर लंग, आयरन लंग जैसा चैम्बर बना दिया जाता है, रिफाइनमेंट ऑफ द आयरन लंग, एक चारों तरफ एक आयरन का और प्लास्टिक का पैक्ड वो लगा के पैक कर देते हैं चेस्ट को चारों तरफ से, और उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उससे डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर और उसके थ्रू पैसिव इनहेलेशन चला जाता है। नेगेटिव प्रेशर वो पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, अभी एडवांस टाइम में ज़्यादातर अपन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर अपन यूज़ करते हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर की अगर बात करें तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, पहला प्रेशर साइकिल, दूसरा वॉल्यूम साइकिल और तीसरा जो होता है वो होता है टाइम साइकिल। ठीक है, टाइम साइकिल, वॉल्यूम प्रेशर साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो डिलीवर गैसेस और वॉल्यूम ऑफ गैस विथ पॉजिटिव प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वॉल्यूम ऑफ गैस को डिलीवर करना है किसके साथ, एक प्रेशर के साथ, तो वो कैसा कहलाएगा, प्रेशर साइकिल। गैस को डिलीवर कर रहे हैं प्रेशर के साथ तो अपन क्या करेंगे, एक प्रेशर फिक्स कर उस प्रेशर के साथ उस गैस को डिलीवर कर रहा है तो प्रेशर साइकिल। अगर वॉल्यूम को फिक्स कर जैसे कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, ठीक है, तो उस टाइडल वॉल्यूम को 500 ही पेशेंट को दे तो उसको क्या कहेंगे अपन, वॉल्यूम साइकिल। तो डिलीवर है प्रीसेट से टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड गैस रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर मोस्ट कॉमनली यूज, तो मोस्ट कॉमन अपन यूज़ कौन सा करते हैं, वॉल्यूम साइकिल। प्रेशर एक फिक्स प्रेशर के साथ अगर देते हैं तो क्या पता पेशेंट को वो सूट हो ना हो, टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा ले ले पेशेंट, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होती है, तो अपन वॉल्यूम साइकिल, अपने जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 होती है, तो अपन उस 500 ml की टाइडल वॉल्यूम के साथ अपन क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम पे। तीसरा आता है टाइम साइकिल, भी अपन टाइम में फिक्स कर देते हैं कि एक मिनट में 12 ब्रीथ लेगा, 15 ब्रीथ लेनी है, 18 ब्रीथ लेनी है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं। तो इसमें टाइम फिक्स कर देते हैं कि एक मिनट में 12 ब्रीथ लेंगी, तो डिलीवर वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर प्री डिटरमाइंड इंस्पिरेटरी टाइम, कि इतने टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम पेशेंट को देना है, कितनी रेट पेशेंट को देनी है, वो क्या कहलाती, टाइम साइकिल, नॉट जनरली यूज फॉर अडल्ट। ये बच्चों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर बात करें बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा वेंटिलेटर है, तो टाइम साइकिल वेंटिलेटर यूज़ किया जाता है, और अडल्ट के अंदर जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर अपन वॉल्यूम साइकिल
वॉल्यूम टाइम साइकिल अडल्ट के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है कि अडल्ट्स की कंडीशन अलग होती है। पीडियाट्रिक बच्चों में सबसे ज़्यादा जो टेकीकार्डिया और टेकीपनिया जो होता है बच्चों की जो ब्रीथ रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस ब्रीथ रेट को अपन कंट्रोल करने के लिए अपन टाइम साइकिल यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा पहले से ब्रीथ ज़्यादा ले रहा है और अपन हर ब्रीथ में वॉल्यूम 500 देने की कोशिश, मतलब उन बच्चों के लिए जैसे 200 चाहिए तो 200 वॉल्यूम दिया, बच्चे तो 40 ब्रीथ लेते हैं तो वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उसके पास डिलीवर हो जाता है। तो वॉल्यूम साइकिल बच्चों में बहुत कम यूज़ किया जाता है अडल्ट में, और टाइम साइकिल मतलब उसकी जो रेट है उसको कंट्रोल करने के, क्योंकि न्यू नेट की जो रेस्पिरेटरी रेट 40 से 50 होती है, ठीक है, और जब ये पेशेंट कभी प्रॉब्लम में होता है तो 60-70 के आसपास उसकी रेट हो जाती है। तो ये तीन टाइप के हो गया, प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर और टाइम साइकिल वेंटिलेटर। अब इसके इन वेंटिलेटर इस पॉजिटिव प्रेशर के अंदर बहुत सारे मोड्स होते हैं, उन मोड में पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन मोड रखते हैं। तो सबसे पहला अगर मोड की बात करें, मोड ऑफ वेंटिलेटर, तो मोड ऑफ वेंटिलेटर की बात करें तो पहला मोड अपन जो यूज़ करते हैं कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, स्पेसिफाइड वॉल्यूम एंड रेट ऑफ गैस इज डिलीवर्ड। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब 500 टाइडल वॉल्यूम और रेट ऑफ गैस डिलीवर विथ नो ट्रिगर ऑफ मशीन बाय द क्लाइंट। मतलब इसमें क्लाइंट कोई भी ट्रिगर नहीं करना चाहिए, मतलब जो पर्सन है वो बिल्कुल ब्रीथ नहीं ले रहा है और उसमें बिल्कुल ब्रीथ नहीं लेना चाहिए, पेशेंट शांत होना चाहिए, पेशेंट का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन है या तो पूरी कंडीशन है या फिर पेशेंट को अपन डॉक्टर्स को अगर उसको स्ट्रेन नहीं कराना है, उसको एफर्ट नहीं करवाना है और अपने को ऑक्सीजन मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा उसको ऑक्सीजन कमी हो गई है, उसको रिकवर करना है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन और उसके अंदर फिक्स वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम और उसकी रेट को क्या करते हैं फिक्स कर उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पेशेंट को डिलीवर। तो इसमें सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, पेशेंट एकदम शांत होना चाहिए, पेशेंट को कोई किसी टाइप का मशीन को कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करने वाला हो। अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन में भी एडमिनिस्टर टू डिक्रीज क्लाइंट रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स। क्लाइंट के रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स को डिक्रीज करने के लिए अपने को क्या करना है, कोई भी मेडिसिन है जैसे कि मसल रिलैक्सेंट हो गया, पेनक्रोनियम हो गया, एट्रोक्यूरियम हो गया, रोक्यूरोनियम हो गया, ये अपन इसमें यूज़ कर मॉर्फिन हो गया, सेडेटिव्स, ये करके पेशेंट की मसल्स को क्या किया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है जिससे को मशीन को कोई भी रेजिस्टेंस ना हो और जो अपने को रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में अपन उसके एयरवे को मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट कोई हेडेक वाला, हेड इंजरी वाला आया, ठीक है, हेड इंजरी वाला पेशेंट है, तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा, अगर पेशेंट ज़्यादा एफर्ट लगाएगा कुछ करेगा तो उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दूसरे सिस्टम पे इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस जब भी होता है तो आप सबको पता है जब स्ट्रेस होता है एपिनेफ्रिन सिक्रेट होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारा हार्मोन सिक्रेशन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसको बचाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए अपन ये वेंटिलेटर यूज़ करते हैं और कंडीशन जो होगी वो पेशेंट बिल्कुल इसमें शांत होना चाहिए, या ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट पूरा पैरालाइज हो गया है और ब्रीथ लेने की उसमें कैपेसिटी नहीं है तब भी यूज़ करते हैं, या फिर अपने को डॉक्टर्स को ये चाहिए कि पेशेंट को बिल्कुल अपन कोई भी एफर्ट नहीं करवाना है तब अपन ये वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वेंटिलेटर अगर उसमें जिसमें पेशेंट ब्रीथ थोड़ी बहुत ले रहा है लेकिन अच्छे से नहीं ले पा रहा है, या फिर ये लगाया उसके बाद पेशेंट को चेक कर रहे हैं, कंट्रोल मैंडेटरी लगाया उसको पेशेंट को चेक करना है, तो अपन क्या करते हैं, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेटर क्या है, पेशेंट ब्रीथ तो ले रहा है थोड़ी बहुत लेकिन उसको अपने को असिस्ट करना है, उसको थोड़ा सपोर्ट देना है, तो उसके लिए अपन को यूज़ करते हैं असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेटर। इसमें क्लाइंट इन्हेलेशन ट्रिगर मशीन टू डिलीवर ए प्रीसेट वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, इसमें भी अपन ने एक वॉल्यूम है जो फिक्स कर दी, लेकिन इसमें वॉल्यूम जो डिलीवर होगी वो पेशेंट के अकॉर्डिंग होगी, पेशेंट इसको ट्रिगर करेगा, क्लाइंट का इन्हेलेशन ट्रिगर करेगा मशीन को टू डिलीवर है प्री सेट वॉल्यूम। जो अपन ने वॉल्यूम जैसे 500 ml टाइडल वॉल्यूम सेट की है तो वो अपने इन्हेलेशन पर डिपेंड करता है, एज ए रिजल्ट द रेट मे बी वेरी। जिससे क्या होगा, आप किसी भी रेट से ले रहे हैं लेकिन जो अपनी टाइडल वॉल्यूम है कि अपन ने 500 पेशेंट को देना है, पेशेंट 300 ले रहा है तो वो दो उसके अकॉर्डिंग ही उसको 300 और 200 उसमें मिला के वो क्या करेगा, उसको 500 कर देगा और उसके थ्रू वो उसको डिलीवर करेगा। तो इसमें क्या होगा,
रेट, पेशेंट अगर ज़्यादा रेट है तो इसमें अलग अलग रेट होगी। इफ एपनिया आकर मशीन विल इनिशिएट रेस्पिरेशन एट द प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एंड रेट। ठीक है, तो इसमें अपने को वॉल्यूम का मेन इंपॉर्टेंट होता है। असिस्ट कंट्रोल उसमें यूज़ करते हैं जिसमें पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ले रहा है, बीच बीच में पूरी टाइडल वॉल्यूम के साथ ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो उस वाली कंडीशन में अपन को क्या करना है, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। जिसको ट्रिगर कौन करता है, क्लाइंट ट्रिगर करता है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग मशीन क्या करती है, देती है। अगर क्लाइंट 300 ml ले पा रहा है तो उसको 200 ये खुद एड करके उसको पेशेंट को डिलीवर करता है। तो उसमें जो और इसकी जो पेशेंट मान लो टेकीपनिक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीथ फास्ट फास्ट ले रहा है लेकिन उसकी टाइडल वॉल्यूम उतनी नहीं ले पा रहा, तो ऑक्सीजन सप्लाई उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो अपने को क्या किया, इसमें वॉल्यूम फिक्स कर दिया, रेट भी फिक्स कर दिया। अब वो जितनी टाइडल नहीं ले रहा है, उसको उसमें ऐड किया और उसको डाल दिया, मतलब वो मशीन उसमें डाल देगी तो टोटल उसका 500 वॉल्यूम कर देगी और उसके अकॉर्डिंग उसमें सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन वेंटिलेटर का मोड जो देखेंगे उसमें बात करते हैं इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर IME। इसमें जो वेंटिलेटर इंटरमिटेंट, तो ये भी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग वाले पेशेंट के लिए अपन यूज़ करते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर ए प्री डिटरमाइंड टाइडल वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आर डिलीवर्ड। इसमें भी फिक्स है, टाइडल वॉल्यूम और रेट को फिक्स कर देते हैं। क्लाइंट कंट्रोल रेस्पिरेशन बिटवीन मैकेनिकल वेंटिलेशन। क्लाइंट कंट्रोल रेस्पिरेशन बिटवीन मैकेनिकल वेंटिलेशन। रेट कैन बी ग्रेजुअली रिड्यूस एज क्लाइंट इज वीन फ्रॉम वेंटिलेटर, रेयरली यूज। इसमें क्या होता है कि अपना जो टाइडल वॉल जो रेट है पेशेंट की, इसमें स्पेशली जो ध्यान दिया जाता है, जैसे असिस्ट कंट्रोल में तो मेनली अपन किस पे ध्यान दिया, वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर रेट को। पेशेंट अगर टेकीपनिक है उस वाली कंडीशन में अपन इसको यूज़ करते हैं और उसकी टाइडल वॉल्यूम भी ठीक हो जाएगी और उसकी रेट पर 20 पर मिनट इसको लेनी है तो 20 रेट के अकॉर्डिंग इसमें देता है। और नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आर डिलीवर, क्लाइंट कंट्रोल रेस्पिरेशन बिटवीन मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसका जो ब्रीथ का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा, अपन मशीन करेगी। तो इसमें रेट क्या होगी, जैसे पेशेंट अगर नॉर्मल हो गया, ठीक है, खुद ब्रीथ लेने लग गया, तो इसमें रेट क्या होने लगेगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब अपने को पता लग जाएगा कि पेशेंट रिकवर हो रहा है, वीनिंग के लिए हो रहा है। रेयरली यूज़, इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर असिस्ट कंट्रोल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो वेंटिलेटर का मोड है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर, फिर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, प्रेशर सपोर्ट मतलब इसके आप थोड़ा सा पेशेंट को क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर का सपोर्ट करना है, जो बाहर का जो प्रेशर है पॉजिटिव प्रेशर है उसको आपको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, और जिससे क्या होगा पेशेंट का जो जो ब्रीथिंग टाइडल वॉल्यूम जा रही है वो अच्छे से जा पाई। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्लाइंट इनिशिएट ऑल ब्रीथ, पेशेंट ब्रीथ ले रहा है, इनिशिएट कर रहा है, विचार दे सप्लीमेंट बाय पॉजिटिव प्रेशर इंप्रूविंग टाइडल वॉल्यूम, मतलब पेशेंट पूरी टाइडल वॉल्यूम के साथ नहीं ले पा रहा है तो उस वाली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर। ये सारे जो मोड अपन बात कर रहे हैं ना, वो सारे मोड अपन किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। मेन अपना मोटो है फिक्स टाइडल वॉल्यूम और फिक्स रेट को प्रोवाइड करना। तो प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्लाइंट इनिशिएट ऑल ब्रीथ, पेशेंट खुद ब्रीथ ले रहा है अच्छे से लेकिन क्या हो रहा है, विच आर सप्लीमेंटेड बाई पॉजिटिव प्रेशर, लेकिन बीच बीच में वो सही से उसका सिचुएशन सही नहीं आ रहा, तो अपन क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव प्रेशर टाइडल वॉल्यूम से। रेड्यूस रेस्पिरेटरी एफर्ट, उसके जो एफर्ट है, पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है, मतलब बहुत ही बुरी तरह से सांस ले रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उसको रिसोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको सपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया ताकि पेशेंट उस पर डिस्ट्रेस में जान ना जाए, जिसकी वजह से क्या उसके दूसरे सिस्टम स्टिमुलेट ना हो। तो ये मे बी यूज अलोन विथ SIMB या कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे के साथ भी इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। SIMB मतलब उस वेंटिलेटर के प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर, मतलब पेशेंट को प्रेशर भी उसके साथ सपोर्ट डालना है। वेंटिलेटर अगर आप मोड देखेंगे वेंटिलेटर के सेटिंग में देखेंगे तो वहाँ पे अपने को 3-4 चीज़ें को सेट करना होता है, प्रेशर सेट करना होता है, टाइडल वॉल्यूम सेट करता है, रेट सेट करना होती है, और एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन, एक्सपायर और इनहेल और एक्सपायर दोनों को ओपन करना है, AE रेशियो 1:2, 2:1 ऐसा अपने को करना होता है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड होता है, ये किसी भी कंडीशन पेशेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इसके अंदर सब पेशेंट को प्रेशर भी हो जाता है, टाइडल वॉल्यूम भी हो जाता है, और इसके अंदर रेट भी फिक्स होती है।
तो ये असिस्ट कंट्रोल मोड के तरह भी ये भी होता है। सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर सेम एज IME इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन कहते हैं, बट वेंटिलेटर ब्रीथ आर सिंक्रोनाइज विद क्लाइंट ब्रीथ। वेंटिलेटर जितनी ब्रीथ दे रहा है उसको सिंक्रोनाइज किसके साथ होगी, क्लाइंट की ब्रीथ, जितनी क्लाइंट ले रहा है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज होगी। जितनी क्लाइंट को भी उसको 20 चाहिए और अपन ने 20 करके रखी है, तो पेशेंट जितनी ले रहा उतने लेगा, जितनी पेशेंट नहीं ले पा रहा उतना कौन दे देगा ब्रीथ आपका वेंटिलेटर। जैसे कि आपको 20 ब्रीथ के साथ इसको देना है, ठीक है, पेशेंट को 20 ब्रीथ की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया 20 सेट कर दिया, पेशेंट 15 ले रहा है तो 5 कौन दे देगा वेंटिलेटर, उसको सिंक्रोनाइज कौन करेगा वेंटिलेटर, तो उसको अपन सिंक्रोनाइज कर लेंगे। पेशेंट ब्रीथ ले रहा है लेकिन कम हो रही है तो पेशेंट वेंटिलेटर कौन दे देगा वेंटिलेटर। और ये विनिंग मोड्स होते हैं। विनिंग का मतलब होता है पेशेंट को जो इंट्यूबेट हो गया उसको एक्सट्यूबेट की ओर लेके जाना, ठीक है, उसके सपोर्ट को धीरे धीरे कम करके पेशेंट को अकोमोडेट करके उसको इंट्यूबेशन किया है उसको एक्सट्यूबेट में कन्वर्ट करना, उसी को अपन बोलते हैं विन करना। नेक्स्ट होता है एक, इसके अंदर भी पीप यूज़ किया जाता है। पीप का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, और इसका जो यूज़ अपन करते हैं मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन टू कीप एल्वियोलाई ओपन। एल्वियोलाई जो होती है अपने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स की जो होती है उसी के थ्रू अपना गैस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के अंदर एयर कॉन्स्टेंट रह रही है जिसको अपन बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जो अपन ब्रीथ लिए इनहेल एंड एक्सहेल किया उसके बीच में जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो उसके अंदर रहती है। तो वो कहाँ रहती है, एल्वियोलाई के अंदर, जिससे एल्वियोलाई क्या रहती है डायलेट रहती है और उसी से क्या होता है गैस एक्सचेंज वहाँ पे होता है। तो वो गैस एक्सचेंज होने के लिए अपने को पीप बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वेंटिलेटर में भी एक सेटिंग आती है पीप, जो अपने 5 से 6 के बीच में अपन पीप उसको सेट करते हैं जिससे क्या रहती है कि उसकी जो एल्वियोलाई है वो प्रीसेट रहती है। तो पीप 5 से 6 जिसका यूज़, इस पर बहुत से बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीप का क्या यूज़ है, तो पीप जितना भी होगा मतलब आपके एल्वियोलाई को डायलेट करके रखेगा, गैस एक्सचेंज को बढ़ाएगा, ठीक है, गैस एक्सचेंज को अच्छा। पेशेंट का CO2 लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा पीप और रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन बहुत ज़्यादा, तो पीप मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर ऐसा जो कि एल्वियोलाई को डायलेट करके रखता है। दूसरा विनिंग मोड जो बात करेंगे प्रोपोर्शनल असिस्ट वेंटिलेटर, प्रोपोर्शनली असिस्ट, ये भी जो है PAV प्रोपोर्शनल असिस्ट वेंटिलेशन सिंक्रोनाइज विथ एंड ऑगमेंट क्लाइंट इंस्पिरेटरी अपैरेटस। ये भी क्या करता है, एक सपोर्ट का काम करता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है और ये भी सिंक्रोनाइज मोड की तरह ही होता है, उसके साथ पेशेंट को भी ये एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं CPAP, CPAP मतलब होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP, सिमिलर टू पीप बट एग्जर्ट पॉजिटिव प्रेशर थ्रू आउट रेस्पिरेटरी साइकिल। ये पूरे रेस्पिरेटरी साइकिल में क्या करता है, पीप की तरह ही काम करता है, सिमिलर पीप की तरह ही CPAP के अंदर भी अपन पीप होता है, पीप और CPAP दोनों ही सेम जैसे ही होता है, सिमिलर उसके समान भी होता है। बस इसमें ये चीज़ होता है कि ये पूरे रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर पूरा सपोर्ट करता है। क्लाइंट मस्ट बी ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, ये जब यूज़ करते हैं जब पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा हो, बीच बीच में स्पॉन्टेनियसली पेशेंट ब्रीथ कर रहा हो उसको सपोर्ट करने के लिए, तो जब भी ऐसी स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा है तो उस टाइम अपन कौन सा मोड यूज़ करेंगे, CPAP के लिए क्लाइंट मस्ट बी ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट्स ब्रीथ करना जरूरी है। यूज़ विथ इंट्यूबेशन ड्यूरिंग विनिंग, पेशेंट अगर इंट्यूबेट है और पेशेंट को विनिंग कराना है, पेशेंट को एक्सट्यूबेट करना है, उस टाइम में अपन इसको यूज़ करते हैं फ्रॉम वेंटिलेशन विदाउट इंट्यूबेशन में, और विदाउट इंट्यूबेशन भी अपन इसको यूज़ करते हैं करना है। अगर मान लो पेशेंट एकदम से आया बहुत ब्रीथ है और ट्यूब डालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है इमरजेंसी में कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हो रखा है, माउथ में इंजरी हो रखा है थोड़ा सा, और पेशेंट मोटा है, ओबेस पेशेंट है, तो उस वाले कंडीशन में अगर इंट्यूबेट नहीं कर पा रहा और डायरेक्टली अपने पेशेंट को तो भी वो करना है मतलब वेंटिलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे CPAP मोड उसमें लगाकर एक टाइट फिट मास्क लगाकर पेशेंट को क्या किया जाता है
लगाकर उसमें डिलीवर किया जाता है, उसमें कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये यूज़ स्लीप एपनिया टेस्ट के लिए भी अपन कर सकते हैं, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए भी अपन इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सीपैप के लिए इंट्यूबेशन और नॉन इंट्यूबेशन दोनों पेशेंट के लिए अपन कर सकते हैं। इंट्यूबेशन पेशेंट के लिए करेंगे तो वीनिंग के लिए करेंगे, और नॉन इंट्यूबेशन पेशेंट के लिए ओनली सपोर्ट के लिए करेंगे, उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेस्पिरेशन देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इंट्यूबेशन नहीं हो उससे पहले। तो इसको दोनों इंट्यूबेशन से पहले भी यूज़ किया जाता है और इंट्यूबेशन के एंड के अंदर भी अपन इसको यूज़ करते हैं। तो सीपैप बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड हो गया कि इसको अपन इंट्यूबेशन करने से पहले भी यूज़ करते हैं और इंट्यूबेट को वीन कराने के लिए भी लास्ट में अपन कौन सा मोड यूज़ करते हैं, सीपैप। एक और बचता है बाईपैप, बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर वेंटिलेशन मोड। बाई लेवल मतलब क्या हो गया, मतलब बाई लेवल दोनों टाइम में, इंस्पिरेशन टाइम में भी आपको सपोर्ट करना है और एक्सपिरेशन टाइम में भी आपको सपोर्ट करना है। ये दोनों का सपोर्ट जब करते हैं उसको बाई लेवल बोलते हैं। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन मोड मतलब नॉन इन्वेजिव मेथड टू डिलीवर एयर थ्रू नोज एंड माउथ। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें इंट्यूबेशन नहीं करना पेशेंट, जैसे मैं अपने सीपैप के बारे में बात किया, सीपैप भी इंट्यूबेशन से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें उसी के साथ अपन दूसरा एक मोड होता है बाई लेवल मोड, उसको भी अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट बिल्कुल इंट्यूबेशन के लायक नहीं है, इंट्यूबेट नहीं कर सकते हैं, तो अपन बाई लेवल यूज़ करते हैं। और इसके अंदर इंस्पायर पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड एक्सपायर पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आर डिफरेंट, विल डिलीवर ब्रीथ इफ़ क्लाइंट रेट फॉल बिलो प्रीसेट फ्रिक्वेंसी। बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो अपन ये बाई लेवल अपन यूज़ करते हैं और इसको इंट्यूबेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉन इन्वेजिव प्रोसेसर होता है इसके अंदर, आई पेप और ई पेप दोनों, इंस्पिरेशन की रेट अलग होगी और एक्सपिरेशन की रेट अलग होगी, मतलब स्टे कराना है ऑक्सीजन को पेशेंट के साथ स्टे कराना है। इसमें जो पेशेंट ब्रीथ लेगा वो नोज और माउथ के थ्रू पेशेंट के अंदर जाएगी, इसमें इंट्यूबेट नहीं क्या होता है, नॉन इन्वेजिव प्रोसेसर। तो ये हो गई बात अपने इंट्यूबेशन की। तो मोड के ऊपर अपन बात करें तो जो अपन ने बैठा था कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन, मतलब कंटिन्यू पेशेंट को एकदम रिलैक्स करके, तो वो एक मोड होता है। पेशेंट जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो अपन वो यूज़ करते हैं। उसके बाद अपन असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेटर यूज़ करते हैं, फिर इंटरमीटेंट वेंटिलेटर अपन यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर अपन यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज पॉजिटिव प्रेशर, सीपैप, बाईपैप, ये सारे विनिंग मोड्स होते हैं। वीनिंग कराने के लिए स्टार्टिंग में अपन पेशेंट को रखेंगे कंट्रोल मैंडेटरी में, उसके बाद आप रख सकते हैं असिस्ट कंट्रोल में भी रख सकते हैं और इंटरमीडिएट में भी रख सकते हैं। पेशेंट अगर अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है, पेशेंट का पूरा वाइट अपर हेमोडाइनमिक स्टेबल है, तो अपन उसके मोड धीरे धीरे अपन चेंज करते जाते हैं और उसको वीनिंग में लाया जाता है। तो नर्सिंग केयर में भी सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान रखना है कि मेंटेन वेंटिलेटर सेटिंग एंड नोटिफाई रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ डिस्ट्रेस, अगर कोई भी डिस्ट्रेस होता है तो आपको रिपोर्ट करना है डॉक्टर्स को, और वेंटिलेटर सेटिंग्स जो है उसको आपको ध्यान में रखना है किस क्या सेटिंग है। मान लो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको वो सेटिंग पता होनी चाहिए कि इसको पेशेंट को डॉक्टर क्या सेटिंग करके गया था, तो उस शॉर्ट को आपको नोट भी करना है, और उस सेटिंग के साथ अगर पेशेंट डिस्ट्रेस में आ रहा है तो डॉक्टर को जाके बताना है। डॉक्टर आपको पूछेगा कि क्या सेटिंग चल रहा है, तो आपको वो सेटिंग पता होना चाहिए। दूसरी बात करें मेंटेन सील्ड सिस्टम बिटवीन वेंटिलेटर एंड क्लाइंट, क्लाइंट के बीच में सील्ड सिस्टम का मतलब होता है कि कोई ट्यूबिंग के अंदर किसी टाइप का लीकेज नहीं होना चाहिए, किसी जगह से कोई एयर बाहर नहीं आनी चाहिए। ट्यूब भी अच्छे से चेक करना है और वेंटिलेटर की ट्यूबिंग को भी अच्छे से चेक करना है, कोई भी लीकेज नहीं होगा। अगर कुछ लीकेज हुआ तो आपको लो प्रेशर अलार्म आएगा, और अगर ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे आपका हाई प्रेशर अलार्म आएगा। तो इस अलार्म के ऊपर बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई प्रेशर अलार्म है तो आपको क्या ध्यान रखना है और लो प्रेशर अलार्म है तो क्या ध्यान में रखना है। तो सील्ड सिस्टम आपको रखना है, ठीक है, एयर नॉट लॉस अराउंड विद ट्यूबिंग, ट्यूबिंग के अंदर कोई भी लॉस नहीं हो एयर का, और अगर इंट्यूबेट है तो उसका कप प्रेशर आपको कंटिन्यूसली चेक करना है। उसका कप प्रेशर 15-25 mmHg तक भी रखते हैं अपन, जो प्रेशर है कप का 15-25 mmHg, तो वो आपको मेंटेन करके रखना है, और उसको ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है तो उसको भी आपको अच्छे से चेक करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिवेंट हाई प्रेशर अलार्म।
हाई प्रेशर अलाराम, अगर पेशेंट हाई प्रेशर अलाराम आ रहा है पेशेंट को, तो आपको ध्यान परफॉर्म सक्शन एज नीडेड। अगर मशीन में हाई प्रेशर अलाराम आ रहा है तो पहले आपको चेक करना है कि पेशेंट ने ट्यूब बाइट तो नहीं कर रही है, या इसके जो कारण है हाई प्रेशर के कारण जो होते हैं, पेशेंट ने या तो ट्यूब को बाइट करके रखा है या फिर पेशेंट के अंदर सक्शन बहुत ज़्यादा, पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है, या किसी टाइप का ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज और पेशेंट के से जो रेजिस्टेंस आएगा उसमें कौन सा अलाराम आएगा, हाई प्रेशर अलाराम। तो पहले आपको ट्यूब बाइट तो नहीं कर रहा, बाइट चेक करना है, उसके बाद आपको देखना है कि सक्शन करना है पेशेंट को, ठीक है। तो अगर पेशेंट बाइट कर रहा है तो आपको क्या यूज़ करना है, बाइट ब्लॉक यूज़ करना है एंड्रोटिकल ट्यूब में। कंसर्न विल हेल्प के प्रोवाइड अबाउट नीड फॉर सेडेशन। अगर ज़्यादा ही वो बाइट कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस कर रहा है, पेशेंट ब्रीथ ले रहा है ऐसी कंडीशन में, तो आपको क्या करना है, न्यूरो प्रेशर। अगर आपने जैसे कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेटर लगा रखा है और पेशेंट ब्रीथ रेजिस्टेंस कर रहा है, तो इसमें आएगा हाई प्रेशर अलाराम। और जब ये हाई प्रेशर अलाराम आ रहा है तो आपको मसल रिलैक्सेशन पेशेंट को देना है, डॉक्टर को कंसल्ट करके वो देना है। अगर बाइट कर रहा है तो बाइट ब्लॉक लगा सकते हैं, और पेशेंट अगर सक्शन है तो सक्शन कर सकते हैं। चौथे नर्सिंग रेस्पॉन्स की बात करते हैं, प्रिवेंट लो प्रेशर अलाराम। लो प्रेशर के अंदर जब भी होगा, जब या तो पेशेंट डिसकनेक्ट हो गया वेंटिलेटर से या फिर ट्यूब आउट हो गई, दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये चीज़ होता है। तो जब अगर लो प्रेशर अलाराम आ रहा है तो आपको पहले वेंटिलेटर को पूरा सिक्योरली चेक करना है, ठीक है। ज़्यादा हाउ हाउ नहीं करना, डॉक्टर इन्फॉर्म करने से पहले आपको क्या करना है, पेशेंट की ट्यूबिंग को अच्छे से चेक करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको अच्छे से ध्यान से देखें, पॉजिटिव प्रेशर अलाराम और लो प्रेशर अलाराम में क्या है। तो लो प्रेशर अलाराम के अंदर आपको सिक्योर कनेक्शन को चेक करना है बिटवीन ट्यूब एंड वेंटिलेटर, मेंटेन एंडोट्रेकियल एंड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का प्रेशर, उसका जो प्रेशर है उसको भी आपको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। मे नीड वेंटिलेट मैन्युअली इफ कॉज बाई वेंटिलेटर प्रॉब्लम, वेंटिलेटर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वो सही से डिलीवर नहीं कर रहा था, आपको मैन्युअली मतलब एम्बू बैग से आर्टिफिशियल ब्रीथिंग यूनिट से आपको क्या करना है, उसको मैन्युअली वेंटिलेट करना है। असेस फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, एडवेंटेजियस ब्रीथ साउंड, हाइपोवेंटिलेशन, टेकिकार्डिया, मतलब ज़्यादा एडवेंटेजियस ब्रीथ साउंड का मतलब कि रेस्पिरेटरी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आना, लंग्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ आना, ब्रीथिंग एडवेंटेजियस साइन मतलब बहुत ही हार्मफुल होती है। हाइपोवेंटिलेशन अगर हो रहा है तो उसको टेकिपनिया, साइनोसिस, चेंज इन सेंसोरियम, इनको सबको ध्यान रखना है, इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है साइन चेक करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स को बताना है। चेक पल्स ऑक्सीमीटर एंड ब्लड गैसेस डिटरमाइन इफेक्टिव ऑफ वेंटिलेशन, पल्स ऑक्सीमीटर चेक करना है और ABG कंटिन्यूसली आपको चेक करते रहना है। एस्टेब्लिश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज क्लाइंट विल अनेबल टू स्पीक वाइल ऑन वेंटिलेटर, मतलब कम्युनिकेशन करना है, इशारा से पेशेंट को समझना है और इशारा से भी पेशेंट को समझाना भी है, उसके इशारे को आपको समझना है क्योंकि उस टाइम पेशेंट बोल नहीं सकता। तो पेशेंट ये भी अपनी नर्सिंग को बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रोवाइड ओरल केयर सक्शन एंड कैविटी एज नीडेड अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, आपको ओरल केयर भी प्रोवाइड करना है, सक्शन इंटरप्रेट करना है और KVT एज नीडेड, ओरल कैविटी को अच्छे से क्लियर करना है। प्रोवाइड ट्रेकेस्टोमी केयर और इंटरप्रेटिव ट्यूब केयर एज पर पॉलिसी दोनों भी करना है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आपको असिस्ट भी कराना है कंटिन्यूसली। पार्टिसिपेट विद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट टू ग्रेजुअली इंक्रीज स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग, ट्रायल टू वीन हेमोडाइनमिक स्टेबल क्लाइंट विद वेंटिलेटर, उसको पेशेंट थेरेपिस्ट के साथ आप डिस्कस करना है। अगर पेशेंट का हेमोडाइनमिकली स्टेबल है तो अपने उसको विनिंग मोड लगाकर उसको वीन करने की कोशिश करना है। तो विनिंग मोड के लिए अपन जैसे कि अपने सिंक्रोनाइज मोड लगा दिया, SIMP लगा दिया, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट वेंटिलेशन लगा दिया, CPAP लगा दिया, तो उसके बाद CPAP लगा दिया, उसके बाद पेशेंट को एकदम से वो वेंटिलेटर हटाकर TP से ऑक्सीजन देना है। अगर वो मेंटेन कर रहा है तो आपको क्या करना है, मेंटेन कर रहा है तो डॉक्टर को बताना, सर वो मेंटेन कर रहा है तो आप इसको एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ चेक करना होता है, ऐसा तो ना हो कि एक्सट्यूबेट किया और पेशेंट वापस कोई प्रॉब्लम में आ गया, तो उस टाइम में ध्यान रखना होता है। और जब भी पेशेंट को इंट्यूबेशन हो रहा है तो मैं अलग से मैं बता रहा हूँ, जब भी पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जब भी दिया जाता है, एकदम से पेशेंट का BP फॉल होता है। एनेस्थीसिया कोई भी दिया उसके बाद भी पेशेंट का BP फॉल होता है, और पेशेंट को अगर इंट्यूबेट कर रहे हैं तब भी पेशेंट का BP फॉल
होता है, तो उस टाइम में आपको बीपी को आगे बढ़ाने के लिए या बीपी इंक्रीज़ करने के लिए आपको ड्रग्स जो भी है वो आपको प्रिपेयर करके रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा है, एनेस्थेसिया ड्रग देने के बाद बीपी पे क्या इफेक्ट आता है। तो एनेस्थेसिया ड्रग देने के बाद भी बीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इंट्यूबेशन के बाद भी बीपी फॉल होता है। तो वो ये चीज़ आपके माइंड में ध्यान रखना है। वीनिंग के बारे में, हेमोडायनेमिक स्टेबल है तो पेशेंट को वीनिंग कराना है। थैंक यू, आई होप आपको इस टॉपिक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे ये टॉपिक तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो आगे प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इस वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप पर्सनली मेरी आईडी पर मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगा। वेंटिलेटर में इसके टास्क के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।